दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा छापे जाते हैं और ये सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छापे जाते हैं। देश भर में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, नासिक, देवास, मैसूर और पश्चिम बंगाल में सालबोने। दोस्तों यहीं पर नोट छपाई का काम किया जाता है। इसमें देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करते हैं। वहीं मैसूर व सालबोनी के प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक के सब्सिडियरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अधीन काम करते हैं। इसे छापने के लिए खास तरीके के इंक का इस्तेमाल किया जाता है जो स्विट्जरलैंड की कंपनी बनाती है और ये कंपनी कई देशों को स्याही निर्यात करते हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वदेशी इंक और पेपर बनाने के लिए कहा था। कहा जाता है कि इसमें इंटाग्लियो, फ्लोरेसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल होता है। अलग अलग इंक अलग अलग काम करते हैं। इसका पेपर भी खास तरीके से तैयार किया जाता है। वैसे तो भारत की भी एक पेपर मिल होशंगाबाद में है, ये नोट और स्टैंप के लिए पेपर बनाती है। हालांकि भारत के नोट में लगने वाला अधिकतर पेपर जापान और यूके से आयात किया जाता है। आरबीआई अधिकारियों के अनुसार 80% नोट विदेशी कागज पे छपते हैं और सिक्के भी 4 मिनट में बनाए जाते हैं। अब आपको नोट के इतिहास के बारे में बताते हैं। ब्रिटिश सरकार ने साल 1862 में पहला नोट छापा था जो कि यूके की कंपनी द्वारा छापे जाते थे। करीब 200 साल बाद 1920 में ब्रिटिश सरकार ने नोट को भारत में छापने का फैसला किया और अब भारत में 4 नोट छापने की प्रेस है। अब सवाल आता है कि आखिर कौन सा नोट कितने रुपए में छापता है। आपको बता दें दोस्तों कि 500 के नोट पर 2.65 रुपए खर्च होते हैं, 200 के नोट पे 2.48 रुपए खर्च होते हैं, 100 रुपए के एक नोट को प्रिंट करने का खर्चा 1.51 रुपए है, 50 रुपए के नोट पे 1.22 रुपए खर्च होते हैं, 20 के नोट को छापने का खर्च 10 रुपए के नोट से कम पड़ता है, सरकार को 1 पैसा ही खर्च करना पड़ता है इस पर। वहीं 10 रुपए के नोट को छापने का खर्चा 1.01 रुपए है। दोस्तों अब जो नोट बनाए जा रहे हैं वो पुराने वालों से सस्ते में बन जाते हैं। एक आरटीआई में बताया गया कि पुराने नोट के बजाय नए नोट को छापने का खर्च कम है। पुराने 500 रुपए के नोट को छापने का खर्चा 3.09 रुपए है, वहीं नए नोट को छापने का खर्चा 44 पैसे कम है। SPM CIL के स्वामित्व वाले 4 टकसालों में सिक्के डाले जाते हैं। टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में स्थित हैं। आरबीआई अधिनियम की धारा 38 के अनुसार केवल रिजर्व बैंक के माध्यम से ही सिक्कों को प्रचलन के लिए जारी किया जा सकता है। भारत में वर्तमान में 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 200 की कीमत वाले बैंक नोट जारी किए जा रहे हैं। इन नोटों को बैंक नोट कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। 2 और 5 रुपए के मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई बंद कर दी गई है और इन मूल्य वर्गों को गढ़ा गया है क्योंकि इन बैंक नोटों की छपाई और सर्विसिंग की लागत उनके जीवन के अनुरूप नहीं थे। हालांकि पहले जारी किए गए ऐसे बैंक नोट अभी भी प्रचलन में पाए जा सकते हैं और ये बैंक नोट वैध मुद्रा बने हुए हैं। 1 रुपए के नोट भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं और ऐसे नोट जिनमें पूर्व में जारी किए गए नोट भी शामिल हैं लेन देन के लिए वैध मुद्रा बने हुए हैं। विदेश से औरंगाबाद आए हुए पेपर को कैसे छापा जाता है। सबसे पहले पेपर को मशीन में डाला जाता है। मशीन से निकले नोटों के शीट पर अच्छे और खराब नोटों को अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सही नोटों पर नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद एक नोट चेक किया जाता है। खराब नोटों का क्या करते हैं, जब नोट खराब हो जाते हैं तो उन्हें बैंक में जमा कर दिया जाता है। बैंक इन नोटों को मुख्य कार्यालय में भिजवा देते हैं, वहाँ उनकी जांच होती है और उनकी जगह नए नोटों को छाप दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है पैसे हम तक कैसे पहुँचते हैं। इंडियन रिजर्व बैंक के देश में 18 ऑफिस हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, बेलापुर, मुंबई, कोलकाता इत्यादि। सबसे पहले नोट्स ऑफिस में पहुंचते हैं और फिर इसके बाद इन्हें अलग अलग बैंक्स में भेज दिया जाता है। एक फैक्ट ये भी है कि किस देश में कितने नोट छपने हैं ये उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, GDP और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं, एक बार में कितने नोट छापे जाएंगे ये भी RBI के द्वारा तय किया जाता है। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। ये प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार RBI को ये अधिकार है कि वो RBI फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद RBI सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये कैसे और कौन तय करता है कि अब नए नोट छाप लेने चाहिए। चलिए अब हम इसके नियम भी जान लेते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार की ओर से कभी भी नोट छापे जा सकते हैं? अगर आपको लगता है हाँ तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए सरकार को कई तरह के नियम फॉलो करने होते हैं। भारत में नए सिक्के छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं या पैसे की जरूरत होती है तो आपका भी मन करता होगा कि एक पैसे छापने वाली मशीन आ जाए तो पूरी टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा तो वो लोग भी नहीं कर सकते जिनके पास नोट छापने की मशीन है।
यानी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार भी ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें भी कई नियमों को ध्यान में रखते हुए नोट की छपाई करनी होती है, जिसके बाद ही बाजार में नोट आ पाते हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर नोट किस आधार पर छापे जाते हैं और कब ये पता चलता है कि अब नोट छापने की जरूरत है। भारत में नए सिक्के छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। 1 रुपए के छोड़कर सभी नोट RBI छापता है, जबकि 1 रुपए का नोट भारत सरकार की ओर से छापा जाता है। खास बात यह है कि RBI 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकता है और इससे बड़े नोट छापने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होती है। पहले RBI कई मानकों को ध्यान में रखते हुए ये पता करता है कि कितने नोट छापने की जरूरत है और फिर इसके लिए सरकार से स्वीकृति ली जाती है। फिर सरकार भी आदेश देने से पहले RBI से इजाजत लेती है और फिर उसके आधार पर अंतिम फैसला लिया जाता है। वैसे आखिरी फैसला सरकार का ही होता है। ऐसा नहीं है कि जब भी देश में गरीबी को मिटाना हो तो नए नोट छाप दो, और चाहे जब नए नोट छाप दिए जाएं, भले ही सरकार के पास नोट छापने का अधिकार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाहे जब कितने भी नोट छाप दिए जाएं। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, इससे वहां की करेंसी की कीमत काफी ज्यादा कम हो जाती है और महंगाई की दर भी काफी बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मतलब आजादी से पहले देश में रिजर्व बैंक की नींव पड़ चुके थे। अपनी स्थापना के 3 साल बाद 1938 की जनवरी में RBI ने पहली बार 5 रुपए का करेंसी नोट जारी किया था। इस नोट पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर प्रिंट हुई थी। इसके बाद 10 रुपए के नोट, मार्च में 100 रुपए के नोट और जून में 1,000 रुपए और 10 रुपए के करेंसी नोट जारी किए गए थे। देवास में नोट की स्याही है, जहां पर 10, 50, 500 के नोट छापे जाते हैं। मैसूर में 2,000 के नोट छापते हैं। आपको बता दें कि देवास में 1 साल में 265 करोड़ रुपए के नोट छापे जाते हैं। पैसे से पैसा कैसे बनाया जा सकता है? शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब सरकार के पास पैसे छापने की मशीन है तो वो कर्ज में क्यों डूबी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सरकार देश में ही करेंसी छापती है तो फिर सरकार कर्ज क्यों लेती है? सरकार ज्यादा करेंसी छापकर ही विकास कार्य क्यों नहीं कर लेती? आइए हम आपको इसका जवाब बताते हैं। सरकार एक तय सीमा से ज्यादा करेंसी इसलिए नहीं छापते क्योंकि इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है। अगर ज्यादा नोट छपेंगे तो इससे लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। जब ज्यादा पैसा आएगा तो उनकी जरूरतें भी बढ़ेंगी, इससे महंगाई बढ़ेगी। साथ ही हम जिन चीजों का उपभोग करते हैं या सेवाएं लेते हैं वो उतनी ही होंगी, लेकिन बाजार में करेंसी बढ़ जाने से उनकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। मतलब कोई देश जितनी ज्यादा करेंसी छापेगा वहाँ उतनी ही महंगाई बढ़ जाएगी। इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और देश के हर नागरिक के पास लाखों रुपए की संपत्ति हो गई, लेकिन अब अगर आप बाजार से कोई चीज लेने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थे, अब दुकानदार उस चीज को 50 रुपए में क्यों बेचेगा? क्योंकि 50 रुपए की अब उतनी कीमत नहीं रही है जितनी पहले थे। साथ ही जब किसी चीज का उत्पादन होगा तो वहाँ भी उसकी लागत बढ़ जाएगी, तो जब तक प्रोडक्ट मार्केट में आएगा उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। मतलब अगर ज्यादा करेंसी छापी जाएगी तो फिर छोटी छोटी चीजों के दाम जो आज 5-10 रुपए हैं, वो ज्यादा करेंसी छपने की स्थिति में सैकड़ों हजारों में पहुंच जाएगी। यही से ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर किसी देश में सिर्फ 5 लोग रहते हैं और उनके पास 100-100 रुपए की करेंसी है, उस देश में 50 किलो चावल पैदा होता है, तो फिर इस तरह से उन 50 किलो चावल की कीमत 1,000 × 5 मतलब 500 रुपए होगी। अब अगर सरकार ज्यादा करेंसी छाप देती है तो इन लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे, लेकिन चावल तो 85 किलो है। ऐसे में ज्यादा करेंसी छपने की स्थिति में इन चावलों की कीमत बढ़ जाएगी। ज्यादा संख्या में करेंसी की छपाई से उस देश की करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि आखिर नोट कैसे छापे जाते हैं और आखिर हम क्यों ज्यादा नोट नहीं छाप सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।